अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दुबई डायरीज विद रियाज, एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। आज पहला दिन है स्कूल का समर वेकेशन के बाद। दुआ रेडी है स्कूल जाने के लिए। सुबह के 6 बजे हैं, अभी थोड़ी देर में स्कूल बस आएगी। यूएई में स्कूल बसें बच्चों को अपने घर के पास से पिक एंड ड्रॉप करते हैं। एज पर यूएई लॉ, बस में एक लेडी मॉनिटर रहना इज मैंडेटरी। स्कूल टाइमिंग 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। गुड मॉर्निंग। स्कूल छुट्टी की टाइमिंग डिफरेंट होती है। जूनियर क्लासेस के लिए 1 बजे तक छूट जाता है और हायर क्लासेस 2 से 3 बजे तक छूट जाती है। आज हम लोग ढाबा स्टाइल दम आलू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुकिंग शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और आप लोगों के सजेशंस हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। एक बर्तन में ऑयल डालें, थोड़ा देर गर्म होने दें। कटे हुए आलू में 1/2 स्पून नमक और 1/2 स्पून हल्दी ऐड करें और अच्छे से मिलाएं। आलू का साइज बड़ा है इसलिए हम लोग हाफ कर लिया है। आप लोग चाहे तो एक पूरा आलू यूज कर सकते हैं छोटे साइज का। अब आलू को ऑयल में फ्राई करें 2 से 3 मिनट तक और गोल्डन होने पर निकाल लें। ये लिस्ट 4 से 5 लोगों को सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा लोग हैं तो इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साबित गरम मसाला ऐड करें, लौंग, इलायची, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और शाहजीरा। एक साथ तेल में डालें, थोड़ी देर रोस्ट होने दें। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर थोड़ी देर अच्छे से भून लो। इस पेस्ट में 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च डालकर हम लोग ने ये पेस्ट बनाया है। थोड़ा सा नमक ऐड करें और थोड़ी देर पकने दें। डेढ़ स्पून गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करके मसाला अच्छे से भून लें जब तक इसका पानी सूख ना जाए। आप लोग देख सकते हैं पानी सूख गया है। अभी हम लोग बाकी मसाले ऐड करेंगे। अभी इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच एक साथ डाल दें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनते रहें। 2 से 3 मिनट तक। एक बात आप लोगों से ये भी कहना है, हम लोग ने नोटिस किया है अक्सर लोग वीडियो को आधे तक ही देखकर एग्जिट हो जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और हमारे YouTube फैमिली को बढ़ने में मदद करें और आगे लेके जाएं।
मसाला पक गया है। अब इसमें दही 250 ग्राम तक डालें। दही को पहले से एक स्पून नमक और आधा स्पून शक्कर से फेंट लें। दही डालते हुए गैस को सिम पर रखें। अब दही को 2 से 3 मिनट तक पकने दें और फिर आलू ऐड कर लें। नमक चेक कर लें, अपने अपने टेस्ट के लिहाज से नमक ऐड कर लें। मैं यहाँ आधा स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आलू को ढाप के पकने दें गलने तक, और जब आलू अच्छे से पक जाएं, तब उसमें ऐड करें कसूरी मेथी 1 स्पून, 1 स्पून फ्राइड मसाला, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च ऐड करें। फ्राइड मसाले के लिए 1 स्पून जीरा, 1 स्पून धनिया, 2 सूखी लाल मिर्च के साथ भून लें, ग्राइंड करके पाउडर बना लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं और ढाप के 2 मिनट के लिए छोड़ दें लो फ्लेम पे। हो गया रेडी ढाबा स्टाइल दम आलू। इस डिश को आप लोग रोटी, पराठा या फिर जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।